Tapi itu menjadi antim. Brahma soi Vishnu bante. Jo Brahma hai, Brahma kitne? तो जो भी ब्रह्मा है जिनके नाम भी ब्रह्मा है वो सब क्या बनने हैं मिलके विष्णु बन जाते हैं विष्णु का रूप बनना कोई दाई भुजा बनेगा कोई बाई भुजा बनेगा कोई ऊपर की भुजा बनेगा कोई नीचे की भुजा बनेगा कोई उन भुजाओं को चलाने वाला धड़ बन जाएगा चलाने वाला बनेगा ज्ञान से तुम समझते हो चित्र भी बरोबर बनाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला क्या कब था विष्णु कब ब्रह्मा निकला यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिन दोनों की संस्कार मिले हुए थे स्वभाव संस्कार एक थे एक ने कही और दूसरे ने मानी वो विष्णु रूप था और जो भी थे सुनने वाले सब ने ये बात मानी तो कौन कौन थे प्रजापिता भी था गीता माता भी थी उम्र आधे बच्चे भी थी क्योंकि शिव अकेला तो आता नहीं वो तो तीन मित्रियों के साथ है फिर उनकी बात और किसने किसने मानी श्री कृष्ण ब्रह्मा राधा और कृष्ण जो बनने वाले हैं सतयुग में उन्होंने भी उनकी बात मानी तो सब के संस्कार मिलकर के एक हो गए तो विष्णु था ना वो ही विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला कब निकला आदि में ही निकला ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में कब से प्रत्यक्ष हुए सन 47 जब से शिव ने प्रवेश किया उनमें तब से वो ब्रह्मा कहेंगे मैं प्रवेश करता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है सन 47 से पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम नहीं पड़ा था ही नहीं कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ 47-48 क्रांति सन 47 से ब्रह्मा नाम पड़ा और सन 51-52 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा उससे पहले तो कोई ब्रह्मा को भी नहीं जानता था और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को भी नहीं जानता तो ज्ञान सागर न ब्रह्मा को कहेंगे न विष्णु को कहेंगे अभी तो मैं जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से चित्र भी बरोबर बनाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला लेकिन इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकते जब तक बाप आकर न बना बता दो ब्रह्मा को सासों में हाथों में सास दिखाए क्या कोई ऐसा चित्र है कोई देवता का जिसके हाथों में सास दिखाई हो ब्रह्मा के चार ब्रह्मा को शास्त्रों में हाथों में सास दिखाए अब शास्त्रों का सार तो बाप सुनाते हैं ब्रह्मा थोड़ी सुनाते हैं क्या जो भी शास्त्र बने उन शास्त्रों का सार किसने सुनाया उन सार सुनाया नहीं राम बाप दोबारा सुनाया जो सार रूप होगा वो सार सुनाएगा जो विस्तार रूप होगा वो क्या करेगा विस्तार करेगा तो शास्त्रों का सार बाप आकर सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं बाप सुनाते हैं ब्रह्मा तो नहीं माँ तो बड़ी माँ है बाप के द्वारा माँ जो है वो विस्तार है या बाप विस्तार है नहीं माँ विस्तार सार कौन है और विस्तार कौन है माँ है विस्तार सार माँ है और विस्तार बाप है धरणी किसे कहा जाता है माताओं दुनिया में जब सत्यु की शुरुआत होती है तो धरणी छोटी होती है या बड़ी होती है छोटी होती है फिर बाद में विस्तार को पाती जाती है कलयुग के अंत में धरणी बहुत विस्तार को पा जाती है जितने जितने बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे माता उतनी फैलती फूटती जाती तो ये विस्तार और ये सार वो है बाप और वो है माँ तो पूछा अभी शास्त्रों का सार बाप सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं कौन सुनाता है बाप सुनाते हैं ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं
बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वो कोई भी यथार्थ चित्र नहीं है, वो है सब भक्ति मार्ग के चित्र। मनुष्य कोई आठ दस भुजा वाले थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। समझाने के लिए रावण का भी अर्थ दिखाया है,